हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स होता क्या है? जब भी हम किसी पर्सन या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जब हमारा कोई भी टैक्स चार्ज होता है तो हमारा सर्विस टैक्स होता है। आप इसके लिए सबसे पहले F11F3 के फीचर यस करेंगे, यहाँ पे अनेबल सर्विस टैक्स का फीचर यस करेंगे एंड देन यहाँ पे किस टाइप के पर्सन हैं देन उसको डिफाइन एंड देन एक्सेप्ट। अब चलते हैं अकाउंटिंग इन्फो में लेजर्स एंड देन क्रिएट। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर फीस का, जो कि कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से है एंड देन ये एक हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड करने के बदले कंप्यूटर फीस लेंगे एंड देन यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर। अब नेक्स्ट सर्विस टैक्स एट कंप्यूटर फीस, अब ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। अब यहाँ पे सर्विस टैक्स एंड देन यहाँ पे सेम कैटेगरी जो हमने कंप्यूटर एजुकेशन में सेलेक्ट करी थी और एक्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट लेजर ब्यूटी पार्लर, अब अगेन ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सर्विस टैक्स ऑन ब्यूटी पार्लर, जो कि हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। अब इसके लिए भी हम सर्विस टैक्स, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की कैटेगरी देन हेल्थ क्लब फैसिलिटी, एक इनडायरेक्ट इनकम है एंड देन सर्विस टैक्स यस एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब, ये ड्यूटी इन टैक्सेस में जाएगा सर्विस टैक्स एंड देन यहाँ पे हेल्थ क्लब की सेम कैटेगरी जो हमने हेल्थ क्लब में सेलेक्ट करी थी। अब यहाँ पे हेलो बोल 10-15 मिनट। बोल किस चीज के? अरे किस चीज के फॉर्म? अरे किस चीज के फॉर्म? हाँ इन्हों की साइट पे मिल जाएंगे। नवंबर में मिल रहे थे तो बंद कहाँ से हो गए होंगे? ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सब हो जाता है उसके अंदर, जब मर्जी कर लो, क्योंकि सेशंस में होता है ना सब कुछ। चल ठीक है 10 मिनट। अरे 10 मिनट में अब ये बताओ मैं क्या होने वाला हूँ, पतले से मोटे या मोटे से पतला? कंप्यूटर पतला होता जा रहा है, बंदा मोटा होता जा रहा है। हाँ अच्छी होते जा रहे हो, बाल उड़ते जा रहे हैं। मेरे को बाल भी आ रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, मुझे नहीं होना, मैं मोटे वाले से काम चला रहा कंप्यूटर पास पास आते जा रहा है, उसके पतला होता जा रहा है, वो मोटा होता जा रहा है। ये सर अभी मैम यहाँ पे तो कितने बजे तक ओपन हो गई है? अब हाँ
7-8 बजे तक तो ओपन होगा ना। हाँ। मैं 7-8 बजे दोबारा आ जाऊँगा, मेरे को कुछ काम से जाना है किसी के मतलब पास में, दोबारा आगे दोबारा एक दो रह गई वो दोबारा करके आज खत्म मार के जाऊंगा। आज कसम खाई हुई है मैंने। 7-8 बजे दोबारा आएगा? 6 बजे ना, 7 बजे तक। 7 बजे तक आ जाना फिर। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम्हें अकेला छोड़ दो, तुम पूरी रात ही बैठे रहना, कोई नहीं। मेरे को उससे दिक्कत नहीं, पता है ये कदम मारनी है, पता अभी पता कितने रात दिखाता हूँ। हर उसके लिए मैंने अलग फोल्डर बना दिया, जो बन गए वो तो उनके लिए क्लास लिख दी उसके ऊपर। जैसे देखो ये बन गया ना, ये बन गया ना, ये देखो सुबह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक पूरे तैयार कर दिए हैं। 1, 2, 3 ये 3 रह गए, तो इनमें से भी ना एक हो जाएगा, बीच में से ही हो जाएगा मेरा। नहीं इनमें से कोई नहीं होगा, दूसरे वाले टॉपिक की रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं चाहता हूँ आज आज मैं इनको निपटा हूँ, फिर झंझट खत्म कर लूँ, क्योंकि कल तो आराम करने ही करना है मैंने, कल कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है। सर जी मेरे को मेट्रो में मिल के कहते बेटा दर्शन दे दो प्लीज, सर ये कह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट कैफे, जो कि हमारा एक इनडायरेक्ट इनकम है। अब यहाँ पे भी सर्विस टैक्स यस, यहाँ पे इंटरनेट कैफे की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट सर्विस टैक्स ऑन इंटरनेट कैफे, ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। अब यहाँ पे सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा फैशन डिजाइनिंग, एंड देन यहाँ पे सर्विस टैक्स यस। अब यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन एक्सेप्ट। अब सर्विस टैक्स ऑन फैशन डिजाइनिंग, अगेन ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, हमारे सर्विस टैक्स, एंड देन यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग की कैटेगरी को, अब यहाँ पे हमारा पहला डेटर मोहन, यहाँ पे सर्विस टैक्स यस लेकिन नॉट एप्लीकेबल, एंड देन रवि, एंड देन मिस्टर मिसेस गुप्ता, एंड देन मिसेस खुराना, ये सब हमारे डेटर्स हैं। अब नेक्स्ट लेट फीस, ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है। अब यहाँ पे हम सर्विस टैक्स नो रहने देंगे क्योंकि हम लेट फीस में चार्ज नहीं करते, एंड देन मॉड्यूल फीस, इसमें सर्विस टैक्स यस होगा, एंड देन इसकी कैटेगरी कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहली एंट्री होगी एफिलिएट में, यहाँ पे हम मोहन को सिलेक्ट करेंगे, और उससे पहले बिल वाइज के फीचर को देखते हैं, एंड देन यहाँ पे मोहन, अब यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन एंड देन इसकी अमाउंट, अब सर्विस टैक्स ऑन कंप्यूटर एजुकेशन। अब देखिए ये सर्विस टैक्स कैलकुलेट करके हमें शो कर रहा है, एंड देन एंटर, इसको एक्सेप्ट कराएंगे न्यू रेफरेंस में क्योंकि न्यू एंट्री है। अब नेक्स्ट एंट्री हम रिसीव में करेंगे, जब इसके पैसे रिसीव करेंगे हम मोहन से। अब इसका बैलेंस अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री जाएगी,
अब लास्ट एंट्री में हम सर्विस टैक्स पे करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सर्विस टैक्स ऑन कंप्यूटर एजुकेशन, देन कंप्यूटर एजुकेशन का बैलेंस। और इस एंट्री को भी हम कब से कब तक क्वार्टरली पे करते, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का। अब नेक्स्ट एंट्री, रवि पेड हेल्थ क्लब एंड कंप्यूटर एजुकेशन चार्जेस विद लेट फीस ₹15। तो यहाँ पे सबसे पहले रवि को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ क्लब एंड देन इसकी अमाउंट। अब सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब अगेन इसने कैलकुलेट करके हमें शो कर दिया। अब इसी के साथ साथ हमें कंप्यूटर एजुकेशन के चार्जेस भी पे करने हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन के चार्जेस एंड देन सर्विस टैक्स ऑन कंप्यूटर एजुकेशन, एंटर। अब इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करेंगे। न्यू रेफरेंस। अब नेक्स्ट एंट्री में हम इससे पैसे रिसीव करेंगे रवि से, एंटर। रवि का बैलेंस। इसी के साथ साथ हम रवि से लेट फीस भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर मार के लेट फीस ₹15 एंड एंटर। इसी टाइप से यहाँ पे मॉड्यूल फीस भी डलेगी। अब लास्ट एंट्री में हम सर्विस टैक्स पे करेंगे, तो सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब सबसे पहले, सबसे पहले सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब इसका बैलेंस, एंड देन सर्विस टैक्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। एंड देन इस फीचर को यस, हम कब से कब तक अपे कर रहे हैं, एंड देन एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री में रिसीव द ब्यूटी कल्चर फी फ्रॉम मिस गुप्ता, मिसेस गुप्ता से हमने ब्यूटी कल्चर की फीस ली है, तो एंटर। एफिएट में जाएंगे, मिसेस गुप्ता को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ब्यूटी कल्चर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसकी अमाउंट 760। अब सर्विस टैक्स ऑन ब्यूटी पार्लर अभी हमें कैलकुलेट करके शो कर देगा, एंटर। और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में हम पैसे रिसीव करेंगे, देन सर्विस टैक्स मिसेस गुप्ता को सिलेक्ट करेंगे एंड इनका बैलेंस रिसीव करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में हम सर्विस टैक्स ऑन ब्यूटी पार्लर पे करेंगे, एक अप्रैल से 1 जुलाई। अब नेक्स्ट एंट्री में हमने मिस्टर खुराना से, मिस्टर खुराना को सर्विस प्रोवाइड करी है इंटरनेट कैफे की, तो यहाँ पे इंटरनेट कैफे के चार्जेस एंड देन सर्विस टैक्स ऑन इंटरनेट कैफे। इसी के साथ साथ हमने हेल्थ क्लब फैसिलिटी भी दिया था, हेल्थ क्लब और यहाँ पे सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब। अभी एंट्री को एक्सेप्ट। अब चलते हैं हमारी दूसरी एंट्री जिसमें हम मिस्टर खुराना से पैसे रिसीव करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर खुराना। अब इनका पूरा बैलेंस हम रिसीव कर लेंगे। अब कैश अकाउंट डेबिट हेल्थ क्लब सॉरी इंटरनेट कैफे एंड देन सर्विस टैक्स ऑन हेल्थ क्लब। एंड देन 1 अप्रैल से 1 जुलाई और एक्सेप्ट करेंगे। इसी टाइप से हम सर्विस टैक्स को मेंटेन करते हैं और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।